सुरसदन प्रेक्षागृह में 16 से 22 सितंबर तक आयोजित हो रही श्री राम कथा का शुक्रवार को समापन हुआ। श्री राम कथा के अंतिम दिन मानो अयोध्या नगरी के ही दर्शन होने लगे। एसबी ऑर्नामेंट परिवार द्वारा आयोजित श्री राम कथा के सातवें दिन कथा व्यास मानस मर्मज्ञ विजय कौशल महाराज ने श्री रामचंद्र जी द्वारा लंका पर चढ़ाई से पूर्व रामेश्वर की स्थापना और पूजन का प्रसंग सुनाया। बिलकती बिखरती और वैधव्य को झेलती अयोध्या नगरी उस वक्त निहाल उठ जब रघुनंदन भ्राता लक्ष्मण पत्नी सीता और सेवक हनुमान संग पुष्पक विमान से वनवास की अवधि पूर्ण कर वापस लौटे। तीन बार अयोध्या नगरी की परिक्रमा की और उसके बाद विमान से उतर सर्वप्रथम अपनी धरती माता को प्रणाम किया। दृश्य ऐसा कि हर कोई सुदबुद्ध भूला, बस चहू ओर एक पुष्पों की वर्षा और जय श्री राम के जयकारों संग हर मन हर्षा। अद्भुत प्रसंग, दिव्य लीला और प्रभु के आदर्शों पर चलने का संकल्प महादेव को लंकापति रावण गुरु मानता था और उधर श्री राम के वे आराध्य देव थे। सागर किनारे लिंगम का निर्माण और पूजन किया, प्रार्थना की कि प्रभु आप निष्पक्ष रहिएगा। इसके बाद भारत में एकात्मकता की रेखा खींचते हुए घोषणा की कि जो कोई रामेश्वर शिवलिंग का अभिषेक भारत के दूसरे कोने में बहती गंगोत्री के जल से करेगा वो मेरा धाम पाएगा। इस प्रसंग के साथ ही कथा व्यास ने भारत की एकता को दर्शाया और गीत गाया। जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा स्वरबद्ध किया तो वंदे मातरम के जय घोषों से प्रेक्षागृह गूंजने लगा। कुछ लंका के नागरिक समुद्र के किनारे घूमने, शमशादी से जबर दौड़े, कुछ मछली पकड़ने, कुछ खेलने कूदने नौजवान आ रहे थे। साफ साफ चेहरा किसी का दिखाई नहीं दे रहा था और जैसे ही इन्होंने देखा कि बंगला, इनको तो हनुमान जी याद आते थे, बस बंगला एक मिनट पर नौ बड़े भागो भागो खिड़की दरवाजे बंद करो लाइट उठाओ वही बंगला में भर जाओ। भगवान राम की ने स्थापना, रामेश्वर की स्थापना करके अपनी सेना को रावण के पास ले जाकर पूरी रावण को खत्म समाप्त करके उसकी सबरी सत्ता को समाप्त करके और उन्हें सीता जी को वापस लेकर अपने अयोध्या में आए हैं और वहां भगवान राम का राज्याभिषेक के साथ आज की लीला का समापन होगा और ये कथा आज विश्राम लेगी सातवां दिन। अंगद को दूध बनाकर भेजना और फिर मेघनाथ द्वारा लक्ष्मण जी को नाशपात से बांध मूर्छित करना, हनुमान जी द्वारा संजीवनी लाना और इसके मध्य में भरत से भेंट होना जैसे हर प्रसंग एक दृश्य की भांति नेत्रों के समक्ष चल रहा था। कथा व्यास संत विजय कौशल महाराज की वाणी की मधुरता के साथ कथा आगे बढ़ी और रावण द्वारा अपने हर नातेदार को श्री राम के समक्ष यानी उनकी मृत्यु के समक्ष भेजने का स्वार्थ उजागर हुआ। मेघनाथ कुंभकर्ण के बाद जब स्वयं की बारी आई तो भयभीत होने लगा। इसके पूर्व 40,000 सैनिक की अमृत सेना भेजी तो उन्हें हनुमान जी ने अपनी पूंछ में बांध पृथ्वी की परिधि से ही दूर फेंक दिया और यहाँ आज अंतिम ये उसका प्रसादी के रूप में ये चल रहा है कार्यक्रम और इसके बाद कल हमारा राजगद्दी का प्रोग्राम है जो कि होगा विजय कौशल जी के द्वारा पवित्र उनके मुख के द्वारा राम कथा का जो आयोजन हो रहा है इससे पूरा शहरी आगरा से आसपास के लोग बाग भी सुन के अभिभूत हो रहे हैं और ऐसी उम्मीद है कि इस तरीके के कार्यक्रम से कथाओं से हम लोगों के थोड़ा सा ज्ञानवर्धन जो हो रहा है वो हमारे लिए इस सावन के जो मौसम जो महीना चल रहा है उसके लिए बहुत आनंदमय हो रहा है और आगे उम्मीद है कल के बाद हमारे इसका प्रोग्राम का अंतिम वो होगा और उसके बाद भंडारा और प्रसादी रहेगी। राष्ट्र संत विजय कौशल जी महाराज उनके तमाम पूरे देश भर में फैले मंगलमय परिवार के अनुयायियों का ये एक धार्मिक आयोजन है और मेरा ये मानना है कि विजय कौशल जी मानस मर्मज्ञ हैं और राम कथा जब भी हो, जितनी बार भी हो, हर बार कुछ ना कुछ नया संदेश देती है और इस समय जिस प्रकार के देश के हालात हैं आपसी सामंजस्य और समन्वय का तो उसमें ये कथा एक अच्छा शहर में शहर की सुख चैन शांति के लिए और लोगों को धर्म के प्रति कर्म के साथ धर्म और धर्म के साथ कर्म ये विजय कौशल जी महाराज का एक मानना रहता है। जीव की पुकार पर दौड़े आते हैं भगवान। जीव जब सहायता के लिए भगवान को पुकारता है तो भगवान दौड़े चले आते हैं और उसकी व्यथा मिटाते हैं। कथा व्यास संत विजय कौशल महाराज ने कहा कि रावण के वध की हर कोई प्रतीक्षा कर रहा था, विशेषकर
विभीषण, किंतु जब पहले दिन युद्ध में वो मारा नहीं गया तो उसने भगवान राम को बताया कि उसकी नाभि में अमृत कलश है। भगवान स्वयं जानते थे किंतु विभीषण द्वारा पुकारे जाने प्रतीक्षा कर रहे थे। इसके बाद 31 बार सांधे और सभी पूर्वजों, गुरुजनों और देवों को मानसिक नमन किया। पृथ्वी से आकाश तक तीनों लोकों में गर्जना हुई और रावण धाराशायी हो गया। वहीं इस मौके पर उपस्थित रही श्रुति सिंघल ने इस तरह के आयोजन को बेहद आवश्यक बताया, साथ ही युवा पीढ़ी को इससे सीख लेने की बात भी कही। रामकथा चल रही थी जिसका आज समापन है, तो महाराज जी ने बहुत अच्छे प्रसंग हमें रामकथा के बारे में सुनाए हैं। तो रामकथा से हमें यही सीखने के लिए मिलता है कि हमें आपस में भाईचारा रखना चाहिए और बच्चों को भी रामायण की शिक्षा ज़रूर देनी चाहिए। रामायण से बच्चों को बहुत कुछ सीखने के लिए मिलता है। जैसे कि एक अभी लास्ट मूवी आई थी जिसने रामायण का बहुत बुरे वाले प्रभाव छोड़े, लेकिन ऐसी कथाएं हमें अपने बच्चों को सुनानी चाहिए जिससे उनमें रामायण का साक्षात रूप सामने आ सके उनके। राजा का धर्म भोग नहीं बल्कि सेवा है। श्री रामचंद्र जी का राज्याभिषेक होना था तो उससे पूर्व उन्होंने अपने भाइयों की सेवा की, उनको स्नान कराया, भोजन कराया और उसके बाद स्वयं की सुध ली। संत विजय कौशल महाराज ने कहा कि राजा का धन बिलास भोगना नहीं अपितु सेवा करना है। इस बात का आदर श्री राम जी से बढ़कर कोई नहीं हो सकता। राज्याभिषेक प्रसंग के समय राजा भैया रघुराय कौशल्या मया दे दो बधाई गीत पर परिसर में उपस्थित हर श्रद्धालु जहाँ था वहीं पर भक्ति में हो झूमने लगा। आरती एवं प्रसादी के साथ संत विजय कौशल महाराज ने आगरा में भी राम राज्य की स्थापना की प्रार्थना करते हुए कथा को विराम दिया।